हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या करा? प्रूव दैट, यहाँ पे देखिए इसके फर्स्ट नंबर से हमें इसे प्रूव करना है। इसके लिए इसमें देखिए दिया है कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस 50 डिग्री कॉस 70 डिग्री इक्वल टू में 3/16। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। LHS इसका ये ले लेते हैं, कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ सेट करना होगा। इसे हम लोग यहाँ पर कॉस 30 को अलग कर लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, ठीक है। कॉस 10 डिग्री यहाँ इंटू देते हैं और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस 70 डिग्री कॉस 50 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ कॉस 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं। कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू कॉस 10 डिग्री इंटू 1/2, ये ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर फॉर्मूला का दो, 2cos A cos B का, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 2cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A + B और फिर प्लस में cos A - B। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर कॉस यहाँ पर 120 डिग्री और प्लस में कॉस 20 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 कॉस 10 डिग्री। अच्छा, इसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कॉस कॉस यहाँ 180 और माइनस का 60 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। चलिए √3/4 कॉस 10 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस का कॉस 20 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे आगे हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 कॉस 10 डिग्री यहाँ पर इंटू में कॉस 20 डिग्री और माइनस इसका वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3/4 अंदर यहाँ हो जाएगा कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस 1/2 कॉस 10 डिग्री। यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, √3/4 यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, और -1/2 कॉस 10 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा। √3/4 ब्रैकेट के अंदर होगा 1/2, यहाँ आ जाएगा आपका वही 2cos A cos B का cos A + B और प्लस cos A - B, तो यानी आ जाएगा cos 30 डिग्री और प्लस cos 10 डिग्री -1/2 cos यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, √3/4 यहाँ देखिए क्या होगा, 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, √3/2 और प्लस cos 10 डिग्री -1/2 cos 10 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, √3/4 प्लस का 1/2 cos 10 डिग्री माइनस का 1/2 cos 10 डिग्री, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16, यही ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का LHS लीजिए, हमें इसके -1/8 के इक्वल प्रूफ करना है, cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री cos 160 डिग्री इक्वल टू में -1/8। चलिए इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस 40 डिग्री को ऐसे रखिए और फिर इंटू में इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करें, ग्रेटर एंगल वाले को इधर कॉस 160 और यहाँ पर कॉस 80 डिग्री, यहाँ 2cos A cos B का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 cos 40 डिग्री और यहाँ हो जाएगा आपका अभी जो फॉर्मूला लगाते हैं 2cos A cos B का क्या होता है, cos A + B और फिर प्लस में cos A - B, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस कितना हो जाएगा 240 डिग्री और फिर प्लस में कॉस आपका आ जाएगा 80 डिग्री, 1/2 cos 40 डिग्री। अंदर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस
180 प्लस का 60 डिग्री और प्लस का cos 80 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 cos 40 डिग्री और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का cos 60 डिग्री और प्लस का cos 80 डिग्री। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, 1/2 cos 40 डिग्री, इसको पहले लिख लेते हैं cos 80 डिग्री और माइनस रूट इसका क्या होता है 1/2 ना हो जाएगा cos 60 का। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 1/2 अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या फिर 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है इससे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री फिर माइनस 1/4 cos 40 डिग्री। ठीक है, या फिर से हम लोग 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 हो जाएगा यहाँ 2 cos 80 डिग्री और इंटू में cos 40 डिग्री माइनस 1/4 cos 40 डिग्री। चलिए यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4 यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला 2 cos a cos b क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर cos a plus b यानी cos 120 डिग्री और प्लस का cos 40 डिग्री माइनस 1/4 cos 40 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 1/4, अच्छा इसे cos 120 डिग्री की बात करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस का 60 डिग्री और प्लस cos 40 डिग्री माइनस 1/4 cos 40 डिग्री। चलिए 1/4 अंदर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का cos 60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री और माइनस 1/4 cos 40 डिग्री। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 1/4 यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस में cos 40 डिग्री और यहाँ माइनस 1/4 cos 40 डिग्री। चलिए देखिए क्या होगा माइनस 1/8 और यहाँ देखिए प्लस का 1/4 cos 40 डिग्री और माइनस 1/4 cos 40 डिग्री, ये दोनों यहाँ कट जाएगा माइनस का 1/8, ये आपका RHS में ही लाना था यहाँ पर आ गया, समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड नंबर लेते हैं, थर्ड नंबर में देखिए इसका LHS लेते हैं, LHS में देखिए दिया हुआ है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर साइन 20 को ऐसे रखते हैं और यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल जो ग्रेटर है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए कॉस बी साइन बी है ना जी, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का, तो इसका क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ पे साइन 20 डिग्री यहाँ 1/2 यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री। चलिए देखते हैं 1/2 साइन 20 डिग्री, अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कॉस 40 डिग्री और इसे कॉस 180 माइनस का 60 कर सकते हैं, 1/2 साइन 20 डिग्री और इंटू में कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या माइनस का कॉस 60, तो यहाँ प्लस कॉस 60 आ जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा इसका यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इसका प्लस का 1/2, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 cos 40 डिग्री sin 20 डिग्री और फिर प्लस का 1/4 sin 20 डिग्री। तो अब इसमें क्या करते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए और ये प्लस का 1/4 sin 20 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं ना जी, क्या जानते हैं 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और फिर माइनस का साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। चलिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 1/4 यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा साइन साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन हो जाएगा यहाँ पर 60 और फिर माइनस साइन 20 और प्लस का 1/4 साइन 20 डिग्री। चलिए 1/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस का साइन 20 और फिर यहाँ 1/4 है ना जी, और फिर प्लस का 1/4 साइन 20 डिग्री। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा √3/8 माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री प्लस का 1/4 साइन 20 डिग्री। ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे तो बच जाएगा आपका √3 और बाई में 8, यही आपका RHS आ जाएगा, ये ना था जी। चलिए अब हम लोग इसका 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर का LHS ले लीजिए। देखिए देखिए क्या दिया है, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/8। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें cos 20 डिग्री ऐसे रखते हैं और इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos 80 डिग्री और इनटू में cos 40 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए cos 20 डिग्री, ये 1/2 को यहाँ लगा देते हैं और यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos a plus b और प्लस में cos a minus b, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 120 डिग्री और यहाँ प्लस का cos 40 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1/2 cos 20 डिग्री और यहाँ पर देखिए क्या होगा cos 180 डिग्री माइनस का यहाँ पर 60 डिग्री कर देते हैं और प्लस का cos 40 डिग्री। आगे देखते हैं 1/2 cos 20 डिग्री और यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस का cos 60 डिग्री और प्लस का cos 40 डिग्री। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं 1/2 cos 20 डिग्री और यहाँ पर माइनस, यहाँ cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 प्लस में cos 40 डिग्री, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे माइनस 1/4 cos 20 डिग्री और प्लस का 1/2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री, यहाँ फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1/4 cos 20 डिग्री ऐसे ही रहने दो प्लस 1/4 यहाँ 2 से डिवाइड हुआ और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं माइनस 1/4 cos 20 डिग्री और प्लस 1/4 यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा 2 cos a cos b का, तो हो जाएगा cos a plus b यानी cos 60 डिग्री और फिर प्लस में cos 20 डिग्री। चलिए इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/4, पहले इसका वैल्यू ही रख दो ना, इसका वैल्यू 1/2 प्लस का cos 20 डिग्री। चलिए अब अगले स्टेप में माइनस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस का 1/8 और प्लस का 1/4 cos 20 डिग्री, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा 1/8 यहाँ से आ जाएगा, यही ना था आपके RHS में, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं इसका 5 नंबर से, चलिए 5 का 5 नंबर देखिए, हम लोग इसका LHS लेते हैं। देखिए हमें यहाँ जो दिया हुआ है, दिया है tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 60 डिग्री और इनटू में tan 80 डिग्री, क्या प्रूव करना है इसके इक्वल में 3, तो इसमें से tan 60 को अलग कर लेते हैं, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है, बाकी सबको लेते हैं इनटू में है आपका tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं √3 होता है इनटू, अब देखिए इसको साइन बाई कॉस में कर देते, तो साइन 20 यहाँ पर हो जाएगा cos 20, साइन 40 डिग्री cos 40 डिग्री, यहाँ पर फिर आपका साइन 80 डिग्री और यहाँ पर cos 80 डिग्री। चलिए अब देखिए √3 ऊपर देखिए हम लोग क्या करते हैं साइन 20 डिग्री, देखिए अब क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं और नीचे भी करेंगे 2 साइन 80 डिग्री और साइन 40 डिग्री, उसी तरह नीचे भी करेंगे cos 20 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर रहे हैं ना जी, तो इसलिए ये बैलेंस हो जा रहा है cos 80 डिग्री और cos 40 डिग्री। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं 2 cos a cos b का, क्या फॉर्मूला होता है, तो cos a plus b और प्लस में cos a minus b
और फिर 2 साइन ए साइन बी का भी फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन ए साइन बी का भी, कॉस ए माइनस बी और माइनस में कॉस ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। रूट थ्री आप देखिए, ये साइन 20 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये नीचे वाला, तो हो जाएगा कॉस 40 डिग्री और माइनस का कॉस 120 डिग्री, ठीक है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए नीचे देखिए, कॉस 20 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस 120 डिग्री और फिर प्लस कॉस 40 डिग्री। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। रूट थ्री साइन 20 है, अच्छा ऊपर देखिए यहाँ पर कॉस 40 डिग्री, अच्छा ये इसको चेंज करेंगे तो माइनस कॉस 60 के इक्वल हो जा रहा है। बार बार बहुत बार हमने चेंज कर लिया, देख लीजिए मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, या कॉस 180 माइनस 60 करेंगे तो ये माइनस का कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है माइनस 1/2, तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस का 1/2 लिख देते हैं हम लोग। ऐसे ही याद रखो ना कि सीधे कि कॉस 120 डिग्री का माइनस का 1/2 होगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया। अच्छा नीचे देखो, स्टेप बच गया हमारा कॉस 20 और नीचे देखिए यहाँ पे माइनस 1/2 और प्लस का कॉस 40 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री ऐसे ही रखो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कॉस 40 डिग्री और इंटू में साइन 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। फिर यहाँ पे भी देखो नीचे माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री और प्लस का कॉस 40 डिग्री इंटू में कॉस 20 डिग्री। चलिए अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, रूट थ्री अलग रहेगा, ऊपर यहाँ देखिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस 40 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। नीचे देखिए क्या है, माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री और प्लस 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए रूट थ्री, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ऊपर ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 60 और माइनस का साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 20 और प्लस का 1/2 साइन 20 डिग्री। नीचे आप देखो माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/2 यहाँ कॉस 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 60 और प्लस का कॉस ए माइनस बी यानी कि आ जाएगा कॉस 20, ठीक है, कॉस 20। चलिए आप अगले स्टेप में देखिए, रूट थ्री ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में इसका वैल्यू आप जानते हैं रूट 3/2 माइनस साइन 20 डिग्री और प्लस का 1/2 साइन 20 डिग्री। नीचे देखिए माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री और प्लस 1/2 यहाँ इसका 1/2 होता है वैल्यू और प्लस का कॉस 20 डिग्री। चलिए देखिए रूट थ्री इंटू में देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर रूट 3/4 माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री और प्लस का 1/2 साइन 20 डिग्री, ये दोनों टर्म तो कट जाएंगे। नीचे देखिए माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री प्लस का 1/4 और प्लस का 1/2 कॉस 20 डिग्री, ये दोनों इससे कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ रूट थ्री इंटू में देखो रूट 3/4 और यहाँ बाई में 1/4, 4 से 4 यहाँ काट देंगे, रूट 3 से रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, जो कि हमें RHS में लाना था, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर का, यहाँ LHS ले लेते हैं। देखिए दिया हुआ है tan 20 डिग्री tan 30 डिग्री tan 40 डिग्री इंटू में tan 80 डिग्री। चलिए एक काम करते हैं, इसमें tan 30 को अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद tan 20 डिग्री और इन दोनों को एक साथ करते हैं tan 80 डिग्री इंटू में tan 40 डिग्री। चलिए अब tan 30 का वैल्यू जानते हैं, tan 30 का रूट 1/√3 होता है, tan 20 वैसे ही रखेंगे तो इसको sin cos में बदल लेंगे तो और बेहतर रहेगा एक ही साथ सबको। चलिए चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका ठीक है sin 20 डिग्री बाई में cos 20 डिग्री, साइन 80 डिग्री बाई में
कॉस 80 डिग्री एंड साइन 40 डिग्री बाई में कॉस 40 डिग्री। चलिए एक काम करते हैं, वन बाई रूट थ्री, यहाँ पर देखिए ये जो है इसको ऐसे रहने देते हैं, टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 20 बाई में कॉस 20 और टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, साइन 80 साइन 40 और नीचे टू इंटू में कॉस 80 कॉस 40 डिग्री। तो हम लोग तो फॉर्मूला यहाँ जानते ही हैं, जानते हैं ना फॉर्मूला, मैं यहाँ पर आपको लिख दिखाता हूँ, टू साइन ए साइन बी का, टू साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। अच्छा टू कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी, इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। वन बाई रूट थ्री यहाँ देखिए हो जाएगा, साइन 20 डिग्री और नीचे आपका यहाँ कॉस 20 डिग्री है, ऊपर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 40 और माइनस का कॉस 120 डिग्री। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस 120 और प्लस में कॉस 40 डिग्री। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, अभी हमने देखा है कि कॉस 120 का वैल्यू जो होता है, कॉस 120 का वैल्यू माइनस का 1/2 होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं। 1/√3 यहाँ पर देखिए क्या है, 1/√3 ऊपर है साइन 20 डिग्री नीचे है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और माइनस यहाँ माइनस 1/√3 तो प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस 1/2 और प्लस का कॉस 40 डिग्री। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 1/√3, यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस 40 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री और प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री और प्लस का कॉस 40 डिग्री इंटू में कॉस 20 डिग्री। फिर अब हम लोग देखो ऊपर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई और नीचे भी यहाँ पर करेंगे, चलिए 1/√3 देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो यह बन गया है प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। अच्छा फिर यहाँ देखिए माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री, यहाँ भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं 1/√3, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा इसका फॉर्मूला होता है ना जी साइन ए प्लस बी और फिर माइनस साइन ए माइनस बी प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री और नीचे देखिए माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री और प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए प्लस बी और फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/√3, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस का साइन 20 डिग्री और फिर प्लस का 1/2 साइन 20 डिग्री। नीचे देखिए माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री प्लस का 1/2, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस का कॉस 20 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√3 इंटू, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3/4 माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री प्लस का 1/2 साइन 20 डिग्री। नीचे देखिए आपका क्या है माइनस 1/2 कॉस 20 डिग्री और प्लस का 1/4 प्लस 1/2 कॉस 20 डिग्री, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 1/√3 इंटू में ऊपर देखिए √3 और बाई में 4 है और नीचे 1/4 है, 4 से 4 ये कट जाएगा 1/√3 इंटू में √3 ये भी कट जाएगा 1 आ जाएगा जो कि RHS में हमें लाना था। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का 7 नंबर। देखिए यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका LHS लेते हैं, दिया हुआ है साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री।
चलिए देखिए, साइन 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं, तो इसलिए इसको अलग कर लेते हैं। साइन 10 डिग्री को यहीं पर रख लेते हैं इसके साथ, और फिर इंटू में इसको साइन 70 डिग्री, और फिर इंटू में साइन 50 डिग्री। चलिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2, इंटू में साइन 10 डिग्री, और इंटू 2 से डिवाइड, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यहाँ जानते हैं, क्या होता है जी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, और माइनस का कॉस ए प्लस बी। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, रूट 3/2 साइन 10 डिग्री, अच्छा, इंटू 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री, और माइनस कॉस 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3/4 साइन 10 डिग्री, और यहाँ कॉस 20 डिग्री, और माइनस का यहाँ देखिए कॉस 120 डिग्री का माइनस 1/2, तो प्लस हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, क्या देखिए क्या हो जाएगा, रूट 3/4 कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, और प्लस का रूट 3/8 साइन 10 डिग्री। यहाँ हम लोग फिर से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 3/8 कर देते हैं, और 2 कॉस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री प्लस का रूट 3/8 साइन 10 डिग्री। हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे किसका, 2 कॉस ए साइन बी का, क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूट 3/8 हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और फिर माइनस का साइन कितना हो जाएगा आपका, माइनस का साइन 10 डिग्री। ठीक है, प्लस का रूट 3/8 साइन 10 डिग्री। अच्छा, चलिए रूट 3/8 साइन 30 का 1/2, ठीक है, और माइनस साइन 10 डिग्री प्लस का रूट 3/8 साइन 10 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ रूट 3/ में 16 हो जाएगा, माइनस रूट 3/8 साइन 10 डिग्री प्लस का रूट 3/8 साइन 10 डिग्री, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3/16। यही हमारा RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका 8 नंबर देख लेते हैं, दिया है LHS का ले रहे हैं, साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 80 डिग्री, और किसके इक्वल प्रूव करना है, 3/16। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इंटू में साइन 20 डिग्री, और फिर यहाँ साइन 80 डिग्री, और फिर साइन 40 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2 इंटू में साइन 20 डिग्री, यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, और फिर माइनस कॉस ए प्लस का बी। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा रूट 3/4 साइन 20 डिग्री, और यहाँ अंदर हो जाएगा आपका कॉस 40 डिग्री माइनस का कॉस 120 डिग्री। चलिए देखिए, रूट 3/4 साइन 20 डिग्री, और यहाँ देखिए कॉस 40 डिग्री, और इसका वैल्यू जानते हैं माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3/4 कॉस 40 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस का रूट 3/8 साइन 20 डिग्री। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस 40 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस का रूट 3/8 साइन 20 डिग्री। चलिए देखिए, रूट 3/8 यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी के लिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 कॉस ए साइन बी के लिए साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर साइन
साइन 60 डिग्री और फिर माइनस का साइन 20 डिग्री और फिर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री। यहाँ देखिए रूट 3/8 साइन 60 वैल्यू का होता है रूट 3/2 माइनस का साइन 20 डिग्री और प्लस का रूट 3/8 साइन 20 डिग्री। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16 माइनस रूट 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस का रूट 3/8 साइन 20 डिग्री, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा तो 3/16 हमारा RHS आ गया। समझ गए, तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।